नमस्कार, स्वागत है आपका मिडकैप मसाला में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यवर्तम और अगले आधे घंटे में हम मिडकैप वर्ल्ड की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे और आपके लिए मिडकैप में मौके कहां पर बन रहे ये भी अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। इंडेक्स पर तो व्यू लेंगे ही। आज बाजार दो दिनों की लगातार गिरावट के बाद संभलने की कोशिश कर रहा है, हालांकि कॉन्फिडेंस नहीं लौट रहा है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि 25,800 का जो अहम सपोर्ट था निफ्टी के लिए, उससे इंडेक्स कभी ऊपर कभी नीचे, आज की तस्वीर यही है। अभी हल्की सी गिरावट है निफ्टी में, 25,790 के आसपास का आपको इंडेक्स दिखेगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो गिरावट है 15 अंकों की, सपाट कारोबार है। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अच्छी चीज बताते हैं, वो ये कि ब्रॉडर मार्केट में यानी कि मिड कैप में, स्मॉल कैप में आज स्ट्रेंथ दिख रही है और उसकी बदौलत अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को चेक करेंगे तो वो अच्छा है। अच्छा क्या है, 1569 शेयर है मजबूत इस वक्त एनएससी पर, और उसके मुकाबले अगर आप चेक करेंगे तो 994 शेयर गिरावट वाले हैं। तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। इस बीच आप देखिए अशोक लेलैंड की सितंबर की बिक्री के आंकड़े भी आ गए हैं। सितंबर की बिक्री में 10% की गिरावट देखने को मिली है। शेयर है 240 रुपए के आसपास, करीब 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ कर रहा कारोबार। तो अशोक लेलैंड को लेकर भी हम व्यू लेंगे कि आपके लिए किस तरह की रणनीति यहां से बननी चाहिए। घरेलू बिक्री की बात करें तो 12% घटकर 16,041 यूनिट का आंकड़ा आया है सितंबर का महीना, जिसमें कि आखिरी अगर हम 10-12 दिन की बात करें तो वो श्राद्ध का भी महीना चल रहा था, उसके चलते भी थोड़ी सी बिक्री प्रभावित हुई होगी। लेकिन चेक करेंगे कि आपके लिए अशोक लेलैंड में क्या रणनीति बननी चाहिए, क्योंकि ये नंबर्स आने के बाद हमने शेयर में कोई प्रेशर देखा नहीं है। लेकिन एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले, अपने एक्सपोर्ट को जोड़ने से पहले तीन तस्वीरें आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जिससे ये कैप्चर हो जाएगा कि मिडकैप का जो महा एक्शन है आज वो कहां पर हो रहा है। वो तस्वीरें आपके सामने रखेंगे। लेकिन अशोक लेलैंड 1.25% कमजोर फिलहाल ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। और आज हम देख रहे हैं कि बाजार का जो मूड है आज वो थोड़ा सतर्क है। ऑटो शेयर अगर आप देखेंगे तो मारुति आज कमजोर आपको दिखेगा, बजाज ऑटो के शेयर में आपको 1.5% के आसपास ही कमजोरी दिखेगी। तो जो कंजम्पशन वाला खेमा है वहां पर थोड़ा प्रेशर जरूर है, उसमें एचयूएल हो गया, उसमें आप टाइटन देखेंगे, डिवीज, सन फार्मा, तो डिफेंसिव जो है वहां पर आप प्रेशर देखेंगे, एक्सेप्ट आईटी, वहां पर आज आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। टेक महिंद्रा को लेकर रिपोर्ट अच्छी आई थी और रिपोर्ट के दम पर टेक महिंद्रा आज निफ्टी का लीडर है, करीब 3% की मजबूती के साथ ये शेयर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। एक काम करते हैं, एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीम स्वदेश पर। मानस जी, आपसे सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले लेकर आएंगे निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड। मानस जी, आज हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल मल्टीपल ट्रिगर्स थे बाजार का कॉन्फिडेंस को शेक करने में। एक तो मिडिल ईस्ट में थोड़ी टेंशन है, जापान के बाजार कल कमजोर थे, यहाँ पर सेबी की बोर्ड बैठक को लेकर थोड़ी सी कश्मकश थी कि एफएनओ को लेकर कुछ ना आ जाए, एफआईएस की भी बिकवाली हुई, ये तमाम चीज़ें कॉन्फिडेंस तोड़ रही थी। आपको लगता है कि 25,800 के आसपास बाजार संभल जाएगा और बचा हुआ जो 3 घंटे का सत्र है एक तेजी का सौदा लिया जा सकता है 100-150 अंकों के लिए? नमस्कार अभिषेक जी, तो देखिए मेरे हिसाब से आज शायद आपको कोई बहुत बड़ा एक्शन निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, और उसका एक बड़ा रीजन ये है कि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी, दोनों इंडाइसेस की एक्सपायरी है, तो शायद एक रेंज में ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा। देखिए अब दो स्तर आपको ध्यान रखने हैं, खरीदारी तभी करें जब 25,950 के ऊपर निफ्टी निकले, 950 से पहले, 25,950 से पहले आपको निफ्टी में खरीदारी नहीं करनी है। उसके ऊपर निकलेगा तब आप फिर से 26,200-300 के लिए आप टारगेट लेके आप एक ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड पे, बट उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। और एक लेवल और आपको ध्यान रखना है 25,700 का, अगर 25,700 के नीचे गया तो कम से कम 25,500 तक किस तरह आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पर निफ्टी का 20-day मूविंग एवरेज है। तो ये दो स्तर ध्यान रखिए ट्रेडिंग के लिए आने वाले 2-3 दिनों के लिए। लेकिन जहां तक बात इंट्राडे की है, मेरे ख्याल से आज कोई बहुत बड़ा एक्शन निफ्टी या बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन जो सेक्टोरियल इंडाइसेस है या सेक्टर्स है वहां पर देखने को मिल रहा है, तो आपको वहीं पर ट्रेड करना चाहिए। तो आज बाजार में बहुत बड़े एक्शन की आप उम्मीद मत करके चलिए। वैसे भी क्या ना कि कल छुट्टी है, कल गांधी जयंती है, तो थोड़ा सा कह सकते हैं कि माहौल आज थोड़ा लैकलस्टर रहेगा,
छुट्टी से पहले ही, लेकिन तीन तस्वीरें आपके सामने अब हम लेकर आएंगे और उसमें देखते हैं कि मिडकैप का एक्शन क्या है, और थोड़ी देर में हम माना जी से भी जानेंगे कि उनके आज सौदे कौन से हैं, आज वो कहां पर अपने बुलिश व्यू दे रहे हैं ट्रेड करने को लेकर। तो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा ब्लू डार्ट, आज हम देख रहे हैं कि शेयर में करीब 6% का उछाल है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में, और जो तेजी है ना गैप के साथ शेयर ने खोला और उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 1 जनवरी से कंपनी ने प्राइसेस इंक्रीज करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इंडस्ट्री की एक और कंपनी आल कार्गो गति ने भी करीब करीब 10% के प्राइस हाइक का ऐलान किया है 1 जनवरी से, और उसके बाद ब्लू डार्ट की तरफ से भी कीमतों का ऐलान हुआ है बढ़ोतरी का और ये शेयर चल रहा है। गोल्ड लोन कंपनियों पर दबाव आज हम देख रहे हैं, मुथूट और मणप्पुरम दोनों के दोनों शेयर ये प्रेशर के साथ कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि RBI को गोल्ड लोन के डिसबर्समेंट को लेकर कई खामियां मिली हैं। आप इन पर भी हम चर्चा करेंगे और अपने सहयोगी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या खामियां हैं, क्या पत्तियां हैं, कितने गंभीर हैं। लेकिन एक और शेयर इंडिया ग्लाइकोल्स, यहां पर हम देख रहे हैं कि आज तेजी के साथ ये कारोबार कर रही है, क्योंकि कंपनी ने बढ़ाई है अपनी क्षमता। ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी में 100 KLPD की क्षमता इन्होंने बढ़ाई है और इसके चलते इस शेयर में तेजी हो रही है। तो दो शेयर गिरने वाले आपके स्क्रीन पर और दो शेयर तेजी से चढ़ने वाले, इन पर हम व्यू भी लेंगे। लेकिन मानस जी, पहले आपके शेयर से शुरुआत कर लेते हैं, आपकी बाजार में कहां पर नजर है और कहां पर आपको ट्रेड दिख रहा है? देखिए, पहले तो केमिकल क्षेत्र पे ध्यान है, क्योंकि ज्यादातर केमिकल क्षेत्र के जो स्टॉक है उनमें कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं और या तो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, और उन्हीं में से एक UPL है जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था। लेकिन UPL ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिखाया है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो UPL में 614 के स्टॉप पर खरीदारी करेंगे, 640 तक के टारगेट पॉसिबल है UPL में। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेट्रोपॉलिस का है, यहाँ पर भी ध्यान रखिए, मेट्रोपॉलिस में भी हम कंसोलिडेशन देख रहे थे लेकिन आज एक फ्रेश मूव देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक मेट्रोपॉलिस में भी खरीदारी करनी चाहिए 2204 के स्टॉप लॉस से 2280 रुपीज के टारगेट के लिए। ठीक है, मेट्रोपॉलिस आपको खरीदना है और UPL उसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। मेट्रोपॉलिस के लिए टारगेट होगा वो होगा 2280 रुपए का, और UPL के लिए जो टारगेट होगा वो भी आपकी हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। UPL के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि 600 रुपए के ऊपर जब भी ये शेयर रहता है मजबूत रहता है। 623 रुपए का भाव है, 640 का टारगेट होगा, 614 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीद के चलना है। तो बाजार भले ही सुस्त है लेकिन ये कॉल्स देख के आप समझ रहे होंगे कि जो मोमेंटम है बाजार का वो तेजी का ही है, और कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी भी हमारे एक्सपर्ट्स अपना रहे हैं। ये दो शेयर आपके लिए हो गए, लेकिन जो शेयर आपको हमने दिखाए थे जरा उसके बारे में व्यू ले लेते हैं। ब्लू डार्ट एक बार जरा मानस जी आप चेक कीजिए, आज इसमें बढ़िया तेजी है 6% का, और जहां पर खुला उसके बाद मोमेंटम को उसने अच्छे से मेंटेन किया है। तेजी और होगी और क्या नई तेजी करनी है या फिर जिसके पास है वो होल्ड करें बस इसको? देखिए, मेरा समझना है कि अगर लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो वहां पर आप बने रह सकते हैं, फ्रेश खरीदारी भी किया सकती है, लेकिन वो जो खरीदारी होगी वो पोजिशनल बेसिस पे होगी, जहां आप 9400 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं और 8399 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, ब्लू डार्ट को लेकर ये व्यू। बाजार में हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है, स्थिरता की कोशिश है। निफ्टी है 25,800 के आसपास। एक काम करते हैं, हमारे सहयोगी जिनय नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जिनय से ये समझ लेते हैं कि मिडकैप में आज मेगा एक्शन हो कहां पर रहा है और खबरें कौन सी आई हैं। जिनय बताइए, स्टॉक्स इन न्यूज क्या है और हलचल कहां पर है? जी, तो खबरों के दम पे देखेंगे तो NCC फोकस में रहेगा। कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है 2323 करोड़ रुपए का, इसमें से 3 डिवीजन में ऑर्डर डिवाइड हुआ है। पहला है 1417 करोड़ का मिला है ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन में, वहीं 520 करोड़ का ऑर्डर मिला है इलेक्ट्रिकल डिवीजन में, और 390 करोड़ का ऑर्डर मिला है बिल्डिंग डिवीजन में। पूरा ऑर्डर मिला के हो रहा है 2327 करोड़ का। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। कंपनी
कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है फंड रेजिंग प्लान को। 6000 करोड़ का फंड रेजिंग प्लान है जिसको बोर्ड ने मंजूरी दी है। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है करूर वैश्या बैंक। सितंबर 2024 का मंथली अपडेट आया है जहाँ पर अगर हम टोटल डिपॉजिट्स की बात करेंगे तो 15% की बढ़ोतरी देखने मिल रही है। 83,068 करोड़ का डिपॉजिट देखने मिल रहा है। वही एडवांसेज में 14% का इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है और कासा रेशियो में जंप देखने मिल रहा है 5% का। 26,794 करोड़ का कासा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा अगर हम अभी मिड कैप में गेनर्स की तरफ नज़र डालेंगे कौन से शेयर्स में आज तेज़ी नज़र आ रही है तो वहाँ में स्टॉक नज़र आएंगे जैसे कि BSE, PTM, PV फिनटेक, पूनावाला, टाटा केमिकल्स जैसे स्टॉक्स। और वहीं मिड कैप लूजर्स की तरफ नज़र डालें तो वहाँ में नज़र आएंगे मुथूट फाइनेंस, फिनिक्स मिल्स, जुबिलेंट फूडवर्क, भारतीय हेक्साकॉम और प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसे स्टॉक्स। ठीक है जिन्हें बहुत शुक्रिया। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स एक जगह जहां पर तेजी है या फिर जहां पर मंदी है, लेकिन खबर से शुरुआत कर लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 6000 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाने को मंजूरी दी है QIP के जरिए, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, मानस जी, इसमें कोई ट्रेड बन रहा है क्या आपके हिसाब से? शेयर 1.5% ऊपर फिलहाल दिख रहा है। देखिए, मेरा समझना है कि जो करेक्शन हमने पिछले 3-4 सेशन में देखा वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अब आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि 3400 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलने की कोशिश करेगा और 3750 से लेकर 3800 रुपए 3800 तक के भाव दिखा सकता है। शायद इसमें 2-3 मंथ का समय लगेगा, तो इस गिरावट पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 3000 के नीचे स्टॉपर्स लगा के पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए, सबसे पहले 3400 रुपए और उसके ऊपर 3800 तक के टारगेट पॉसिबल है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। ठीक है, गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर ये व्यू। NCC को लेकर भी खबर आई है मानस जी, लेकिन मैं देख रहा हूं कि शेयर हार्डली 40-50 रुपए की रेंज में है। अगर हम जून से लेकर अब तक देखें, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आके हम खड़े हैं। NCC वैसे कंपनी तो अच्छी है और देखिए ऑर्डर का साइज भी ठीक ठाक है, 2327 करोड़ का ऑर्डर मिला है, लेकिन क्या इसमें कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? देखिए, एनसीसी में एक बड़ी रैली हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछले 2 साल के अंदर अगर आप देखें तो 60 रुपए से लेकर 360 रुपए तक की रैली देखने को मिली थी। पिछले करीब 1 महीने से यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20-day मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आई थिंक कोई वजह है नहीं कि यहाँ पर करेंट लेवल्स पर खरीदारी करनी चाहिए, वेट करना बेहतर रहेगा। या तो 325 रुपए के ऊपर खरीदारी करेंगे और या तो जब गिरावट देखने को मिले और 280 रुपए के आसपास स्टॉक आए वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तब खरीदारी करें। करेंट लेवल्स पर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं रहेगी एनसीसी के लिए। ठीक है, करंट लेवल पर स्ट्रेटजी नहीं रहनी चाहिए एनसीसी के लिए, लेकिन क्या बीएसई के लिए स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? 2 दिन में 6% चल गया है। माना जी, अपना चार्ट आप तैयार रखिए, आपके पास बस 1 से 1.5 मिनट में वापस लौटेंगे, लेकिन उसके पहले ऑप्शंस का चैंपियन ले लेते हैं। रेलगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर मौके बन रहे हैं ऑप्शंस के जरिए? का टोन है कल की गिरावट के बाद, बट कुछ एक स्पेस बेसिकली जहां पे कि आपको बाइंग इंटरेस्ट या फिर कह सकते हैं एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, उनमें से कैपिटल गुड स्पेस में से सीमेंट्स बेसिकली यहां पे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने का एक कंसोलिडेशन था जिसको उसने अभी हाल फिलहाल में ब्रेक किया था, पॉजिटिव ब्रेकआउट आया था और उसको कंटिन्यू कर रहा है। बेसिकली आज अगर आप देखेंगे तो 2.5% स्टॉक ऊपर है और एज पर द कंसोलिडेशन रेंज जो रिकॉर्ड हाइज है उनको रीटेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है, तो करीब 7800 तक पोजिशनली ये स्टॉक जा सकता है। तो ये देखते हुए इसकी 7500 वाली कॉल जो कि करीब 230 के पास ट्रेड कर रही है, इसको लॉन्ग करने की सलाह होगी 195 के स्टॉप लॉस के साथ 300 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, सीमेंस हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड शेयरों में मतलब मोमेंटम है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ABB चला है, BHEL में तेजी देखी, L&T का शेयर चल रहा था। सीमेंस में आपको 7500 वाली कॉल खरीदनी है, 230 के भाव पर मिलेगी, लक्ष्य 300 रुपये और स्टॉप लॉस लगा के चलिए 195 का। अधिकतम मुनाफा 10,500, अधिकतम नुकसान ठीक आधा 5,250 रुपये का, लेकिन आप स्टॉप लॉस को ना स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ऑप्शंस होते क्या है ना कि थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, समय से एंट्री, समय से एग्जिट, ये बड़ा क्रुशियल होता है और स्टॉप लॉस का ध्यान रखना जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो फिर होता ये है कि 10 में से जो 9 लोग नुकसान करते हैं वो इसी के चलते नुकसान करते हैं और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है
50,000 रुपये का। अजीत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। मानस जी तैयार है क्या बीएससी पर आपका चार्ट? दो दिन में 6% की तेजी फिर से हो गई है, बीएससी और चलेगा ये? तो देखिए बॉटम जो बना है पिछले करीब 4-5 दिनों के करेक्शन के बाद स्टॉक ने 10-day moving average पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। तो देखिए जगह तो सही है जहां से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है, वापस 4200 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर एक पोजिशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा, पोजिशन ट्रेड लीजिए, 4600 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, 4200 तक के टारगेट पास हो जाए। ठीक है, 4200 तक के टारगेट आपके लिए बीएससी के शेयर में पॉसिबल है। 4% की अच्छी तेजी फिलहाल हम देख रहे हैं, 4000 रुपए के स्तर को हाल फिलहाल देखा भी है, टेस्ट भी किया है बीएससी के शेयर ने। आज केमिकल में अच्छा मूव है, आप चाहे नवीन फ्लोरीन देखिए, अतुल देखिए, टाटा केमिकल देखिए, फर्टिलाइजर में जीएनएफसी, कोरोमंडल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और इसके अलावा कैश का एक स्टॉक है बासफ, जो कि जर्मनी की मल्टीनेशनल कंपनी है, बीएसएफ, वहां पर तो 7% की तेजी है। मानस जी कहां नजर गई आपकी, केमिकल फर्टिलाइजर में कोई आपका कोई पिक जहां पर इस मोमेंटम को राइड कर सकते हैं यहां से भी? देखिए आज केमिकल क्षेत्र से एक स्टॉक को पिक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पूरा सेक्टर अच्छा लगता है, जितने स्टॉक्स आप देख लीजिए, इसीलिए मेरा जो आज पिक था वो यूपीएल था, उसी क्षेत्र से स्टॉक था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नवीन फ्लोरीन पे जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि देखिए अब यहाँ से शायद नवीन फ्लोरीन अपने पिछले स्विंग हाई को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, नवीन फ्लोरीन के अगर आप वीकली चार्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर एक इनवर्स हेडेंशुलर पैटर्न बन रहा है, अगर ये 3800 के ऊपर निकलेगा तो एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर क्योंकि 200 day moving average ब्रीच हुए हैं, खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, 3490 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए जहां आप करीब करीब 3775 के टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है, नवीन फ्लोरीन को लेकर आपके लिए व्यू। एक शेयर है कह सकते हैं कि ब्रोकिंग स्पेस से शेयर इंडिया, इसको लेकर पहले भी हमने आपको आगाह किया कि आप सतर्क रहिए क्योंकि इस शेयर में दूसरी कंपनीज के मुकाबले अंडर परफॉर्मेंस रही है। एक साल की बात करें तो सिर्फ 23% का रिटर्न दिया है, वहीं अगर हम सेक्टर की एक और कंपनी से अगर इसकी तुलना करें तो IIFL सिक्योरिटीज ने 300% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो शेयर इंडिया में ये अंडर परफॉर्मेंस है क्या, अब क्यों है और क्या दिक्कतें हैं कंपनी को लेकर, क्या कुछ विवाद रहे हैं हाल फिलहाल में, जरा इसको समझते हैं। हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, एक के बाद एक कई सारे नेगेटिव ट्रिगर्स आए शेयर इंडिया के लिए, शेयर उठने की कोशिश करता है लेकिन फिर से धड़ाम हो जाता है, अंडर परफॉर्मेंस इसकी दूर नहीं हो रही है, रीजंस क्या है इसके पीछे? जी बिल्कुल, शेयर इंडिया में जो है अंडर परफॉर्मेंस के रीज़न के पहले मैं बता दूं ब्रोकिंग स्टॉक्स की क्या रैली हुई है और उसमें यहाँ पे अंडर परफॉर्म किए हैं। अगर हम देखें IIFL सिक्योरिटीज़ और MOSL जैसे स्टॉक्स पे, तो ये तो स्टॉक्स देखें तो 200% से ज़्यादा का रिटर्न साल में दिया है। एंजल वन करेक्शन हुई पर वहाँ के बाद भी जो एक साल का रिटर्न 42% रहा, और लास्ट में देखेंगे आप शेयर इंडिया सिर्फ 23% का ग्रोथ यहाँ देखने मिला है। और अगर हम पूरी तरह बात करें 52-week हाई लेवल से अगर शेयर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं 18% का करेक्शन भी देखने मिला है। कुछ कारण है जिसके कारण जो है यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है, उन फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। और इसके रिसेंटली जो है उनके एक SME IPO अर्चित नूवुड, उसमें जो है डिले हो रही है तो उस पर भी फोकस रहेगा। और हमने जो है डेटा चेक किया, पता चला कि प्रमोटर शेयर होल्डिंग भी थोड़ा थोड़ा कम होए जा रहा है। अगर हम सिक्वेंशली देखें तो लास्ट टाइम जो भी उन्होंने एक्सचेंजेस पर रिपोर्ट किया था जो 6 सितंबर था। इसके अलावा जो हाल ही में एक एक्विजिशन थी उनकी DSM फ्रेश फूड्स की, उस एक्विजिशन की जो अधिग्रहण रद्द की कर दी गई थी और ऑफकोर्स वहाँ से थोड़ी बैकलैश भी जो है इन्वेस्टर से देखने मिला था। लेकिन SME IPO जो हम हमेशा बोलते हैं 18 स्वदेश में कि आप बहुत सतर्क रहें, यहाँ पे उनकी जो एक इशू थी अर्चित नूवुड उसका जो है टल गया था ओवरऑल IPO। और इसमें जो है बहुत सारे एक्सचेंजेस ने जो है क्वेरीज रेज किए थे और अभी तक जो है कंपनी ने जो है ओवरऑल कुछ बताया नहीं है कि क्वेरीज गए हैं कि नहीं गए हैं। इसके अलावा जो है जब एनालिसिस हुई तो पता चला जो मार्जिनस है अर्चित नूवुड की वो देखा जाए तो एक साल पहले सडन एक इंक्रीज देखने मिली थी, और वही अगर उनकी पीयर्स की कंपेयर करें रुशील डेकोर या सेंचुरी प्लाईवुड से तो हम कह सकते हैं कि उनके पीयर्स से ज़्यादा जो है मार्जिनस देखने मिल रही थी। इनका पीयर्स का जो था 8-9% का मार्जिन था वित्त साल 2024 में, वही अगर हम बात करें कंपनी का तो उन्होंने 20% का पैट मार्जिन दिखा दिया था। तो ये IPO जो थी मैनेज हुई थी आपके शेयर इंडिया के साथ और अभी तक कोई कम्युनिकेशन नहीं आया है। कुछ इश्यूज हुए हैं 2024 में जिन्होंने लाया है और वो ऑलरेडी लिस्टेड है, इनके नाम है बता देता हूँ।
ये इंक्लूड करते हैं यहाँ पे VVIP इंफ्राटेक, जेम इन्फ्रो, AVP इंफ्रा, पुणे ईस्टॉक और WTI कैब्स। और मीडिया रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि यहाँ पे सेबी इन्वेस्टिगेट कर रही है 6 डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बैंक्स जिन्होंने अलग अलग ऑफरिंग्स पे काम किए स्मॉल बिजनेसेस पे, और कुछ माल प्रैक्टिसेस देखने मिल रही है SME IPO में। और ऑफ कोर्स कहा गया है कि जो हाई सब्सक्रिप्शन फीस है वो देखने मिल रहा है क्योंकि सब्सक्रिप्शन नंबर्स बढ़े जा रहे हैं, तो फीस में भी जो है एक सवाल उठ रहा है। तो ऑफकोर्स SME IPO में भी जो है एक टाइप से सवाल जो है पूरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ कह रहे हैं, और हमने भी जो है कहा है कि पूरी तरह जो SME IPO में जब आप इन्वेस्ट करें तो आप अपनी सतर्कता बनाए रखें, और यही ईटी नाउ स्वदेश का स्टांस है। ठीक है, शुक्रिया शरद, बहुत विस्तार से आपने बताया कि आखिरी अंडर परफॉर्मेंस क्यों है और एक के बाद एक कई मुश्किलें हैं शेयर इंडिया को लेकर, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें शेयर को लेकर, हम आपको यही सलाह भी देंगे। लेकिन चलिए आपको एक निवेश के लिए एक बढ़िया कंपनी सुझाते हैं मिड कैप के महारथी सेगमेंट में। SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं मिडकैप का महारथी लेकर। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर है आपके रडार पर, किसमें पोटेंशियल है महारथी बनने का? या गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स को। आज का मेरा पिक रहेगा केबल्स एंड वायर सेगमेंट से, वो है पॉलीकैप लिमिटेड। बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा है, हालांकि इट्स काइंड ऑफ लार्जर मिड कैप कंपनी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में। इट्स अ वेल नोन वेल डिस्कवर्ड कंपनी। बट अगर मैं केबल्स एंड वायर की बात करता हूँ तो इनका ऑर्गेनाइज मार्केट में 25-26% का मार्केट शेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर है, 10,000 से ज्यादा SKU मेंटेन करते हैं केबल्स एंड वायर में। मोटा मोटी 90% रेवेन्यू यही सेगमेंट से आता है, और बाकी जो 10% रेवेन्यू है उसमें दो सेगमेंट है, एक है FMEG फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड, जिसमें जिसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 5% आता है टॉपलाइन से, अनवरीज EPC बिजनेस। अगर आपको याद होगा कंपनी ने 20,000 करोड़ का टॉपलाइन का गाइडेंस दिया था FY 2026 का, उसमें से 18,000 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने FY 2024 में अचीव कर लिया, और मेरा ये मानना है कि जब हम सेकंड क्वार्टर के नतीजे देखेंगे अक्टूबर मंथ में, तब मुझे लगता है कि ये जो गाइडेंस है 20,000 करोड़ का इसे बढ़ा दिया जाएगा। और एज पर आवर कैलकुलेशन हमें लगता है कि कंपनी FY 2026 में 25,000 करोड़ की टॉपलाइन दर्ज करेगी और 2,400 से 2,500 करोड़ का पैट दर्ज करने का दम रखती है। ये जो पैट का नंबर है 1,800 करोड़ था FY 2024 में, तो आई थिंक एक डिसेंट ग्रोथ हम अगले 2 सालों में आते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम FMEG बिजनेस जो एज ऑफ नाउ EBITDA लॉस मेकिंग बिजनेस है, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट होते दिखेगा। इसका एक कारण है कि जो इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्विचेस, स्विच गेयर, प्रीमियम प्रोडक्ट, इसका जो कंट्रीब्यूशन है आगे जाकर के बढ़कर आएगा, और इसी के चलते ये डिवीजन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल होते नजर आएगा हमें। जी ठीक है, पॉलीकैप इंडिया एक बढ़िया शेयर, मजबूत शेयर अपने सेगमेंट में, वायर इन केबल में, या इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी इनका एक छोटा सेगमेंट है, वहाँ से भी परफॉर्मेंस सुधरने की उम्मीद है। और अगर हम शेयर की बात करें तो पिछले 8 में से 7 सत्र में ये तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो मोमेंटम भी है और मिड कैप भी है और मारुति बनेगा, ऐसा सनी को भरोसा है इस शेयर को लेकर। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। सनी जी और मानस जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और इन स्टॉक्स पर विचार रखने के लिए, और मानस जी आपका बहुत शुक्रिया बाजार पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए।